कुछ ना कुछ लिखता रहता था, कुछ ना ऊट पटांग लिखता रहता था। फिर इवेंचुअली जब वेस्ट ने निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अपनी इज्जत अपने हाथ। तो ये जो चाय उमेर था, ये कब निकला अपने शेल में से बाहर? बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। मेरे ख्याल से अब कोई एक आधी लेयर उंगली रेस्ट किसने पहले पकड़ के निकाला बाहर? मायरा ने, मेरी हाँ? बीवी ने, ओ उसको अंदाजा भी नहीं है, लेकिन मेरी बीवी की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है इस मामले में, क्योंकि उसने रीअश्योर किया कि मेरे ख्याल से जो अहम चीज़ उसने मेरी, उसको पता भी नहीं है कि उसने किस तरह मदद की है, कि अगर आप अपनी खामियां जान सकते हैं, आप अपनी खामियों को पहचान भी लेते हैं, लेकिन तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से वो मुझे तस्लीम करने की जब हिम्मत आई तो उसी के साथ मुझे अपनी खूबियों को देखने की और तस्लीम करने की भी हिम्मत आ गई, तो वो आई हैड टू लर्न टू एक्सेप्ट एंड मायरा हैज़ बिन गॉड सेंट फॉर मी इन दैट वे। ये पहली मोहब्बत है या दूसरी या तीसरी? आखिरी ये आखिरी पहली मोहब्बत कब हुई पहली थी? तो शर्म थी। अच्छा, और वो तो हो गई वो थी। तो हो गई हाँ, और वो और काफी इंश्योर हो गई, कब तक रही वो साथ? पता नहीं, मेरे ख्याल से जब तक मैंने ABC लिखना नहीं खत्म किया था तब तक तो और रहा। दूसरी? वल्ला मैंने बहुत, आंखों का बहुत हल्का था, दिल का बहुत हल्का था, लेकिन जब बहुत अर्ली ऑन जब एक धचका सा पड़ा, रिजेक्शन सी हुई बहुत अर्ली ऑन, तो फिर मैं बिल्कुल ही खौफ, जैसे खौफजदा बच्चा था तो वैसे ही खौफजदा हो गया। मैंने कहा भाई यहाँ जाना नहीं, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत खौफनाक है, मैं नहीं इस तरफ जा रहा, तो बिल्कुल तो ही शन कर दिया कंप्लीटली। इतनी बुरी तरह से दिल टूटा था। नाजुक सा था, हाँ, उन्होंने तोड़ा, ज्यादा मुश्किल से नहीं, टूट तो जाना फिर है वो। उसके उसको फिर किस तरह, ये जो दिल टूटा था ये कहाँ गया? ये पोइट्री में गया, ये ये आर्ट पोट्री में में गया, गया? आर्ट में भी गया, वो कहते हैं ना व्हाट्स बैड फॉर द हार्ट इज गुड फॉर हाँ द आर्ट, हाँ तो बिल्कुल रहा वो, वून्ड्स रखे, संभाले, लिखा, परफॉर्म किया, एक्ट एक्ट में लिखा, एंड इट हेल्प्ड। आई इवन रिमेम्बर कि मैं एक दफ़ा जिंदगी में अगर कभी सुसाइडल थॉट्स आए भी तो उसमें भी एक पोएम लिखी थी मैंने, पता नहीं किस हालत में था मैं, मैंने एक पोएम लिखी थी और जब मैंने वो लिख ली तो फिर वो एक कथारसिस सा हो गया, एंड आई डिसाइडेड डिलिबरेटली कि नहीं आई डोंट वॉन्ट टू डू, और मैंने भी कभी इतनी नहीं की। और फिर हम लोग है ना बड़े रैशनलाइज कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, बहुत रैशनलाइज, तो हमने कहा कि यार ये तो वी नीड टू कैरी ऑन, किस तरह करें, तो हमने कहा सोसाइटली एक्सेप्टेबल तो यही है कि निकाह होना चाहिए, तो वालदैन को बताए कि इस तरह है, तो मिले, यू नो हाउ इट इज़ इन आर सोसाइटी, फैमिलीज गेट मैरिड, तो मिले, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, कर्नल साहब मेरे जो ससुर हैं, गॉड ब्लेस हिम एंड एंड हिज वाइफ, कि उन्होंने एक आउट ऑफ जॉब एक्टर स्लैश टीचर को कहा कि हाँ भी ले लो दामाद, तो एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ इट हैपेंड, एंड इट वॉज लिटरली अनबिलीवेबल कि एक दिन हम लोगों की मंगनी हो रही है, तो और अब इत्तफाक से दुनिया इस तरह गोल घूमती है, उसी फ्लैट में हम दोनों रहते हैं मायरा में, जहाँ हमारी मंगनी हुई थी, एंड इवेंचुअली वी गॉट मैरिड, सो दैट्स हाउ इट वॉज, इट जस्ट हैड टू हैपन एंड इट हैपेंड एंड आई एम सो ग्लैड। So you lost one baby. We lost two You lost two babies. twins. Yeah. You had twins. We had twins. What happened? It was a very tough time. I'd say, in fact, it's the toughest time of our और कितने life. बड़े थे वो? They were just about to be born. They were ready to come, and everything was hunky dory. Or a freak incident, and they went. और इतना एक वो dramatic moment था कि 2012 Olympics, I represented Pakistan at the Globe. और उस हाई से मैं वापस आया था हाँ, कि शेक्सपियर का प्ले उर्दू में, पाकिस्तान की नुमाइंदगी, और फिर हम वापस आए और फिर बेटियां, और हमारे घर में बेटियां नहीं थी, ना बहन थी, मायरा की बहन का भी बेटा है, वेस की भी दो बेटे थे, वाज ऑल बॉयज हॉस्टल, तो इंटायर हाउस होल्ड, पूरी खानदान में खुशियां थी कि अल्लाह ने दो बेटियां और इकट्ठे, सो वी वर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, जस्ट वन फाइन डे मायरा सेड आई फील नो मूवमेंट, तो वी वेंट, और फियर ऑफ ऑल फियर्स, तो उन्होंने कहा फ्रीक इंसिडेंट दैट नीदर ऑफ देम हैज सर्वाइव्ड, तो दैट वाज डेविस्टेटिंग, तो वहाँ से वापस आया था लंदन से, एंड इट वाज वेरी डेविस्टेटिंग, एंड आई थिंक हम लोगों को एंड ये बच्चियां कहाँ प्लेस थी? दोनों देवर बेटों के बाद, ये पहले बेटे के बाद, रायन के बाद, रायन के बाद? रायन के बाद, एंड वी वर ऑल एंटिसिपेटिंग, एंड यू कैन इमेजिन के
जहाँ हम लोग आई मीन स्टेज पे थे कि हम तो सब कुछ ले लिया था, कॉट शॉट सब कुछ तैयार, रेडी टू गो। अरे गाड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे तीन हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग दैम इन अ कॉट, आई वाज प्लेसिंग दैम इन अ ग्रेव। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट कॉन्वर्सेशन जो मैंने अपने भाई से की थी। और ओवेस ने कहा था, जब उसने कहा ही वॉज डेवस्टेटेड। ओवेस बड़ा टफ है, बहुत टफ है, लेकिन एक्सटीरियर जितना टफ है उतना ही नरम अंदर है। तो ही सेड ओ माई गॉड यू हैव टू बैरी देम। जब वो कहा ना तो आई वॉज शैटर्ड इन साइड कि ओ गॉड। एंड फिर आई हैड टू होल्ड माई सेल्फ कि अभी नहीं, अभी नहीं, होल्ड माई सेल्फ, अभी बड़ा कुछ करना, अभी ये चीज़ें फॉर्मेलिटीज यू नो द थिंग्स। और मैं ही भाग दौड़ कर रहा हूँ, पीपल केम इन, अम्मी कर्नल साहब एवरीवन, दोस्त आ गए। और मायरा से मैंने कहा था कि क्या करना है, शी सेड आई डोंट वांट टू गो होम इन दिस कंडीशन। लेकिन ऑब्वियसली उसको फिर सीडेट करके फिर सब होना था, तो एज इफ हमारे इंस्टिंक्ट था, बड़ी मॉर्बिड बात करना, इंस्टिंक्ट था कि माँ को नहीं दिखाना, जस्ट बैरी देम, यू नो। जब बेरियल के लिए गए देन आई डोंट नो एनी कंट्रोल, आई जस्ट आई ब्रोक, आई कंप्लीटली ब्रोक विद माई फादर इन लॉ देयर, हिज ब्रदर देयर, माई टू बेस्ट फ्रेंड्स देयर। एंड दैट एक्शन ऑफ लिटरली डूइंग दैट वॉज डेवस्टेटिंग। और मुझे पता नहीं कहाँ से किसी की, यहाँ से माजिद साहब मेरे एक बॉस थे, उन्होंने एक दफ़ा कोई बात कही थी जब मेरे कज़न के साथ हो रहा था बड़ा कुछ, तो उन्होंने कहा था कि यार नो फादर नो पेरेंट शुड एवर हैव टू बेरी देयर चाइल्ड। और वो कैफियत जो है वो अल्लाह ना करे किसी के ऊपर गुजरे, लेकिन वही बयान कर सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो। एंड खैर वो क्लोजर उस तरह का था, लेकिन खौफनाक बात मैं कहने लगा कि माओं को देखना चाहिए, अपने उन बच्चों को के साथ वक्त गुजारना चाहिए, बेशक ये साल में थे। मुझे तो फिर भी किसी हद तक क्लोजर मिल गया, माँ को नहीं मिला, शी वेंट थ्रू हेल एंड केम बैक। और ये गलत है हम लोगों के, वही मैं कह रहा था हमारे जो विजडम्स हैं हम लोग उससे थोड़ा हट जाते हैं। मुझे तब जाके ख्याल आया बड़ी चीज़ों के बारे में। एक तो सबसे पहले सबमिशन, आई लर्न व्हाट सबमिशन मींस। मैं उस हॉस्पिटल के यहाँ नमाज पढ़ते हुए सजदे में सुभान रब्बी आला तो नहीं कह रहा था, आई वाज जस्ट सेइंग गॉड आई सबमिट, आई एम नथिंग, हम लोग कुछ नहीं, आई सबमिट, जो है मेरे अख्तियार में नहीं है, आई सबमिट, जो भी है मुझे इससे गुजरना है तो बस गुजार दे, हेल्प मी एंड हेल्प द वंस लाइक मायरा। दूसरा मुझे ख्याल आया छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग करते हैं कस्टम्स में, उनकी असल लॉजिक है कोई यार, हम बार बार पूछना किसी से क्या हुआ, इस कथार्सिस, इट्स एक्सेप्टेंस कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, बार बार कहने से उसकी ज़रा जख्म थोड़ा कम होता है, गायब नहीं होता, अभी भी आंख नम होती है लेकिन कम होता है। शक्ल देखना, बिल्कुल चेहरा दिखाना, चेहरा ये दिखाना। बहुत ज़रूरी है। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि इसमें कोई ऐब नहीं है कि ख़वातीन जाएँ दफनाने के लिए, एज लॉन्ग एज कोई हर एक तमाशा ना करे, एक अदब के साथ। अब तो कोई नहीं करता, वो तो पुराना वो जमाना था, वो लेकिन और जमाना था। अच्छा रोना बहुत अहम है, कौन कहता है नहीं रोना चाहिए, स्टूपिड कैथारसिस है एंड यू मस्ट हैव दैट। तो खैर ये बनाया गया आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे तो आप फट जाएंगे। हम इंसान हैं, हमें एहसास करना है, जब एहसास निकल गया वो मुझे हर पहलू से अंदाज़ा हुआ कि रिफ्लेक्शन की कितनी अहमियत है और हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और अब्बू से क्यों था, अब्बू के दरमियान क्यों, मेरा व्हाट वाज इट, इज इट बिकॉज ही वाज नॉट सीइंग यू, कि आपको वो देख नहीं रहे थे? पार्शली देखें, क्योंकि पता है मैंने, मुझे ये बहुत बात अच्छी लगी थी, हम एक फिल्म है एवटार, उसमें व्हेन शी सेज आई सी यू बिल्कुल, यू नो इट हैज चेंज्ड अ लॉट इन मी, बिल्कुल सही, यू नो, बिकॉज़ हम देखते नहीं एक दूसरे को, बिब्लिकल है ना, दे लुक बट दे डू नॉट सी, या दे हियर बट दे डू नॉट लिसन, इसके पीछे इंटेंट होता है टू बी एबल टू सी द पर्सन, यू सबमिट। आप मेरे नज़दीक वही है कि ह्यूमिलिटी ये है कि आप अपना एजेंडा छोड़ दें जब अगले के सामने बैठे। स्केटमा हिमसेल्फ सेज लिसनिंग इज अ मॉरल एक्ट। लेकिन अबू और मेरा ये भी मसला था कि अब फासला था 20-24 साल, एक बहुत अरसा होता है कि जब आप इकट्ठे बढ़े ना, यंग मैन नीड देयर फादर्स मेनी टाइम्स। अच्छा वो वहीं रहे थे, वहीं रहे और आप लोग यहाँ आ गए थे, तो कभी कभार मिलना आना जाना, बट इट्स नॉट लाइक लिविंग टुगेदर, बहुत फ़र्क है। और अबू माशाल्लाह ही बिलोंग्स टू हिज ओन वैल्यू सिस्टम, हम लोग एक और वैल्यू सिस्टम पे शायद चल रहे होंगे, लेकिन बुनियाद हमारी वही है।
we grew apart that way and I love him. I mean truly love my father. एक ऐसा मौका आया कि जब मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं, मायरा और रायान उस साल का होने वाला था कि हम लोग अलग घर में लें और अम्मी यहाँ होती थी तो वी शुड हैव अ सेपरेट हाउस. वो जैसे ट्रेडिशनली यहाँ होता है बड़ा मसला हुआ और अम्मी माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी सेटल, मुझे पता वो सेटल हो जाएंगे एंड शी हैज़ कम थ्रू पावर थ्रू. अब्बू से ये हज़म नहीं हुआ और अब्बू गाहे बगाहे कोई ना कोई इशू चलता था एंड इवेंचुअली डिसओन्ड मी. तो मैं फ़ोन करता था, वो उठाते नहीं थे फ़ोन, सुन लेते तो फिर डांट के बंद कर देते थे. इट यूज़ टू हर्ट मी, किल मी इन फैक्ट, क्योंकि मैं चाहता था कि मैंने कहूँ कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना आपने तसव्वुर किया है, मेरी बात तो सुन ले. तो वो होता नहीं था. इवेंचुअली जब मुझे फ़ाखर भाई मिले और उन्होंने ये सोच का तरीका बताया तो बड़ा एक बोझ हल्का हो गया क्योंकि आई स्टार्टेड डूइंग ऑल द थिंग्स दैट वाज नीडेड बट मैं बेलॉस कर रहा था, अनकंडीशनली कर रहा था. और अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच का तरीका क्या है? इट्स कि जब हम ट्रांजैक्ट करते हैं तो वो इन नीयत के ऊपर होता है. अगर मेरी नीयत है आपसे कुछ खोने की, कुछ छीनने की, तो मैं हमेशा वीक रहूँगा और हम कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे. लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मुझे क्या करना चाहिए, ख्वाह वो जेनरॉसिटी हो या करेज हो, वट इज़ अप्रोप्रिएट, मुझे उसके ऊपर तवज्जो देनी है और बेलॉस देनी है. कि अगर मैंने आपकी कोई दाद देनी है तो फिर मैं बेलॉस दाद दे रहा हूँ. अगर मैं तनकीद करनी है तो आपके भले के लिए कर रहा हूँ और मुझे कोई उसे गर्ज नहीं कि क्या होगा. देन यू फील दैट देयर इज़ अ हार्मनी और इट प्रूव्ड राइट. अब्बू खैर उनका बड़ापन है, इज़ अ स्वीट हार्ट एज़ आई सेड. तो वो तो पहली दफ़ा जब मिले उसके बाद तो जब भीड़ लगाई रोना शुरू हो गया, यार दोस्त हो गया. तो समझ सो कि मैं परसों फिर जा रहा हूँ उनके पास. तो ये मोमेंट क्या था, ये किस तरह, हाउ डिड यू अप्रोच योर फादर? मैं लगा रहा है? मैं फ़ोन करता रहा, उन्होंने हाँ. बंद किया लेकिन अब मुझे इतना दुख नहीं पहुंचा क्योंकि मैं ये मेरा फोकस ये था कि मुझे ये करना चाहिए. मैंने ख़त लिखना शुरू कर दिया फिर कि मैं अब्बू को ख़त लिख रहा हूँ, वो पढ़े ना पढ़े, मिले ना मिले, जवाब ना दें, फाड़ दें, हाँ. जो मर्जी करें, बेगर्ज हो गए ना. मैं बिल्कुल हाँ. मुझे ये करना है. फिर मैं पैसे जमा करके उनके पास जाऊँ मिलने, वो क्या तमाचा मार देंगे, मुँह पे दफा कह देंगे, लेकिन मैंने जाना. तो वो बिल आखिर इसी तरह मौका मिला, सारी फैमिली इकट्ठी, मैं भी पहुँच गया. देखा एक ही सेकंड में ठीक हो गए वो. तो उनको अंदाज़ा हो गया था मेरा बच्चा चाहता है मुझे. अटेंशन हैज़ ग्रेट पावर, सीइंग इज़ ऑल अबाउट दैट, इट्स गिविंग अटेंशन अनकंडीशनली.